राइट डाउन हेडिंग लिखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो इसका क्या मतलब है कि अभी क्या ना, एक इससे पहले जो स्ट्रेट लाइन था उसमें हम सिंगल सिंगल लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे। जैसे एक लाइन है तो इसका नाम हो गया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक दूसरी लाइन हमने प्लॉट की, लेट्स सी ये दूसरी लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो अभी ये दो लाइन है, इनका हम इंडिविजुअल लाइन लिख रहे थे, है ना, इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे। लेकिन कोई कहे कि इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखो, कंबाइंड इक्वेशन, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। मतलब ऐसा, ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी, ऐसा क्या लिखें जिससे कि ये दोनों की इक्वेशन, दोनों लाइन की इक्वेशन एक साथ लिख जाए, है ना। ये जैसे L1 हो गया, इस लाइन को L1 बना देते हैं, ये L2 लाइन है, इस तरह से। तो यदि दो लाइन है, या यूं कहें ये लाइन है L1 इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू जीरो, ऐसा सिचुएशन है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन L1 प्लस लेमडा L2, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, L1 प्लस लेमडा L2? ये क्या बोला जाता है, L1 प्लस लेमडा L2 की बात करें तो ये क्या बताता था कि फैमिली ऑफ लाइंस होती हैं, फैमिली ऑफ लाइन जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होती हैं, और ये इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। लेकिन हमें ऐसा चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा चाहिए ही नहीं, फैमिली ऑफ लाइन थोड़ी ना चाहिए। हमें ये चाहिए कि मतलब ये जो दो लाइन दिख रही है ना, बस इन्हीं को रिप्रेजेंट करे। तो ये लिखना L1 प्लस लेमडा L2 लिखना ये गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा केस देख लेते हैं, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं L1 L2 इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा ये? तो देख सकते हैं कि लेट से इसमें कुछ सिचुएशन हो सकते हैं। लेट से ये ए पॉइंट है और यहाँ पे इस पे बी पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जो दोनों लाइन पे कहीं पे भी लाइन नहीं कर रहा, तो ये जनरल पॉइंट है, ठीक है। और ये बी पॉइंट बना देता हूँ जो किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, एल वन या एल टू पे, और एक सी पॉइंट है जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो है वो एक जनरल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पर्टिकुलर पर्पज को सॉल्व कर रहे हैं। ए मतलब दोनों लाइन में से किसी पे भी नहीं है, ठीक है। बी सिर्फ L1 पे लाई कर रहा है और सी L1 L2 दोनों पे लाई कर रहा है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं L1 L2 में ए को सेटिस्फाई कराऊं, तो ए को सेटिस्फाई कराऊं, तो देखो L A के लिए L1 की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, L2 की वैल्यू भी नॉन जीरो आएगी। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं L1 L2 is not equal to zero होगा for A? ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा B के लिए L1 L2 की वैल्यू एट B, B पॉइंट पे, बताओ क्या होगा? B पॉइंट L1 पे कहीं पे भी है तो L1 को क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा, L1 को जीरो बना देगा, L2 को जीरो नहीं बनाएगा, L2 will not be zero, क्यों? क्योंकि L2 पे लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सेम वे यदि L2 पे कोई पॉइंट होता सिर्फ L2 पे, तो वो क्या करता, सिर्फ L2 पे यदि कोई पॉइंट होता तो वो L2 को जीरो बनाता और L1 को जीरो नहीं बनता, तब भी इसकी वैल्यू क्या आती, जीरो आती। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतना बात समझ आए? अच्छा अब L1 L2 का वैल्यू C पे चेक कर लेते हैं, C पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा बताओ? C, C तो L1 को भी जीरो बनाएगा और L2 दोनों को जीरो बनाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब हमने ये कहा कि
एक ऐसा ऐसा इक्वेशन जो सिर्फ L1 और L2 दोनों को कंबाइनली रिप्रेजेंट करे, तो क्या वो लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? सोच के बताओ क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ये क्या बता रहे हैं, यहां से क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला कि ये जो L1 L2 इक्वल टू 0 है, इस पे सिर्फ B टाइप के पॉइंट और C टाइप के पॉइंट लाई कर रहे हैं, A टाइप के पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं। B और C टाइप क्या है, B क्या है, L1 पे या L2 पे, किसी एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। तो जब सिर्फ L1 और सिर्फ L2 पे लाई करने वाले पॉइंट ही हैं, तो L1 L2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यदि हमें दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन गिवेन है और हमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंबाइन इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और बस कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगी, a1x + b1y + c1 × ये a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट इसमें? हाँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि अभी दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन थी, यदि लेट से ये तीन लाइंस हैं, ऐसा ये L1 = 0, L2 = 0 और ये L3 = 0, तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो शेप बना है, जो भी शेप है, इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन ये हो जाएगा L1 L2 L3 = 0। बस एक और केस बना देते हैं, लेट से ये दो लाइन है L1 = 0 L2 = 0 और एक सर्कल है यहाँ पे, या कोई भी कॉनिक है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है फर्क ही नहीं पड़ेगा। S इसकी इक्वेशन है S = 0। तो ये जो फिगर्स है, पूरा फिगर, इसका जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा, इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन का मतलब ये जो फिगर है इस पूरे का इक्वेशन, यह आ जाएगा L1 L2 और इनटू S = 0। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे लेट से एक लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन हो गया x + y - 1 = 0 और एक दूसरी लाइन हो गई लेट से 2x - y + 3 = 0, ये लाइन है। तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इनकी कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी क्या? क्या होगी कंबाइंड इक्वेशन बताओ? कंबाइन इक्वेशन हो जाएगी x + y - 1 × 2x - y + 3 = 0। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो इसको। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा, 2x² इसको इसमें -x y + 3x + 2xy - y² + 3y - 2x + y - 3 = 0, -2x + y - 3 = 0। तो ये कितना हो गया, 2x² और +xy,
टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया एंड माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स हो जाएगा और यहाँ पे देखो थ्री वाई प्लस फोर वाई हो जाएगा, फोर वाई और कांस्टेंट वाला पोर्शन है माइनस थ्री। देखो ये आ रहा है, मैच करो आंसर अपना, यही आया क्या? थिंक अबाउट इट, है ना। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये जो एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर इस सिचुएशन में, ये इन दोनों लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। अब यहां पे एक सिचुएशन और आती है कि यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो इनको अलग कैसे किया जाएगा, ये सेपरेट कैसे होंगे, मतलब दो सिंगल लाइन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए भी एक टेक्निक है, आप देख लीजिए कि जैसे 2x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, सेपरेट करना मतलब ये फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब क्या होगा, ये एक लाइन आ जाएगी इनटू दूसरी लाइन इज इक्वल टू जीरो। तो इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है कि ये जो सेकेंड डिग्री पोर्शन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन पार्ट है, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री पार्ट है, सबसे पहले इसको इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करें, जैसे ये और माइनस वन का प्रोडक्ट हो गया माइनस टू, टू और माइनस वन का प्रोडक्ट हो गया माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है जो कि वन है, तो इस वन को ऐसे लिखेंगे, वन को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि सम तो वन आए और प्रोडक्ट माइनस टू आए। तो एक काम करते हैं, टू और माइनस वन ले लेते हैं, टू प्लस माइनस वन, तो सम तो इन दोनों का क्या आ रहा है, वन आ रहा है और प्रोडक्ट माइनस टू आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब 2x² प्लस 2xy माइनस xy माइनस y स्क्वायर। तो जैसे तुम फैक्टराइज करते हो वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई की गई और कुछ अलग नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखो 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन तो x प्लस वाई, और माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2x माइनस वाई और x प्लस वाई, इतना आ गया। क्या इतनी बात समझ है? अब क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ यस, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर आपने इतने का ही फैक्टराइज क्यों किया? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लीनियर वाला पोर्शन आता है, ये लीनियर पोर्शन कांस्टेंट की वजह से आता है, कांस्टेंट्स की वजह से आता है। तो हम क्या कर देंगे, ये जो पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइंस जो है, ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन यदि हमें लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस k1 बना दिया कांस्टेंट, या c1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस k2 इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि k1 k2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो कि x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x x का कोएफिशिएंट ढूंढ लेते हैं तो कितना मिलेगा। इधर देखो, देखो k1 ये कांस्टेंट इस x में मल्टीप्लाई होगा तो k1 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2k2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 के इक्वल आ जाएगी, 1 हो गया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ y चेक कर लेते हैं,
y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये k1 है, k1, देखो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k2, माइनस k2, माइनस k2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट है 4, तो ये 4 हो गया ऐसा। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना मिला इसमें से? यस तो ये मिलेगा 3k2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो k2 कितना हो गया? माइनस 1 हो गया। अच्छा k2 की वैल्यू माइनस 1 आ गई, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस 1 पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाई k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस तरह से 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड लाइन थी वो कौन सी थी? 2x माइनस वाई और k1, k1 इज प्लस 3, प्लस 3, और यहाँ पे k2, k2 है x प्लस वाई और k2 की जगह माइनस 1 रख देते हैं इस तरह से। तो यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन दे गई हो, क्या दिया गया हो? कंबाइंड इक्वेशन, और आपको उसको फैक्टराइज करना है या सिंगल लाइंस निकालनी है, तो इस तरह से करेंगे फैक्टराइज। क्या इतना ये प्रोसेस समझ आया? प्रोसेस में मेन मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या किया हमने कि जो होमोजीनियस पार्ट, हाँ यस, बोलो बोलो बच्चा, हो गया लिखा? हो गया। अब इसमें देखो कि बेसिक आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है सेपरेट करने का। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो होमोजीनियस पार्ट है इतने को, जो होमोजीनियस पार्ट है, होमोजीनियस मतलब एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर वाला जो पोर्शन है, इतना पार्ट आगे बताएंगे होमोजीनियस का क्या मतलब होता है ना। इसमें जो x और y की पावर्स, वेरिएबल्स की पावर्स का सम सब जगह सेम होता है हर टर्म में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये इतना वाला जो पोर्शन है ये होमोजीनियस पार्ट होता है। तो इस होमोजीनियस पार्ट को सबसे पहले फैक्टराइज किया हम लोगों ने इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि फैक्टराइजेशन क्या आ गया, ये आ गया। अब ये जो लीनियर पार्ट है, दिस इज अ लीनियर, लीनियर पार्ट है, लीनियर पार्ट है ना, ये लीनियर पार्ट कैसे आता है? ये कांस्टेंट की वजह से आता है। तो हमने k1 k2 पुट कर दिया इस तरह से, ठीक है, k1 k2 मिला। अब क्वेश्चन है कि k1 k2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो बस कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया कि x का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1, और इधर भी ढूंढ लिया x का कोएफिशिएंट। कैसे ढूंढा? मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी एक्स का इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसका इसमें, तो एक्स के कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। यहाँ पे के वन मिला और यहाँ पे टू के टू मिला, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस तरह से। तो एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट, दोनों के कोएफिशिएंट मिल गए एंड ये आ गया इस तरह से। दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होने से ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई है इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। अच्छा, इसका एक और मेथड है, वो कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक बना के, जैसे वो थोड़ा हो सकता है कि गंदा मेथड लगे, जैसे यही इक्वेशन है, नेक्स्ट मेथड है, यदि सेपरेट करना है, फैक्टराइज करना है। सेकंड मेथड क्या है? देखो लाइन कंबाइन इक्वेशन क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आया था। तो सबसे पहले देखो x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा? देखो 2x स्क्वायर
प्लस एक्स वाले टर्म, ये वाई प्लस वन टाइम्स एक्स है ना, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स है, इन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के रूल लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, बी की जगह वाई प्लस वन माइनस बी, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए टू है, और सी कितना है माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस थ्री, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए है ना, ऐसा है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, और यहाँ पे ये कितना मिले ये एट है, तो एट वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई वाई प्लस 24 अपॉन 8, सॉरी ये 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 या 4x इक्वल टू, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखो ये देखो 8y स्क्वायर प्लस 1 9y स्क्वायर हो गया, और माइनस 30y हो गया, माइनस 30y प्लस 25 हो गया। अच्छा इस पे ध्यान से देखो, क्या ये 3y प्लस 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर है क्या, है कि नहीं, देखो 9y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2ab करेंगे तो 30y आ जाएगा, मतलब 4x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 5। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार फर्स्ट पॉजिटिव लेने से कितना मिलेगा 4x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस 3y माइनस 5, तो 4x माइनस 3y सॉरी 4x, यहाँ पे देखो 3y और माइनस वाई तो 2y है, लेकिन इधर आएगा तो माइनस 2y, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे है ना 2 से डिवाइड, 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस, तो ये एक लाइन आ गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन यदि लिखनी है तो हम यहाँ पे माइनस लेनी है, सेकेंड वन यहाँ पे ये माइनस साइन, तो 4x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3y प्लस 5, ऐसा इसको इधर ले आओ तो 4x प्लस 4y और माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है। तो देखो क्या यही आ रहे थे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, हाँ यही है। तो ये दूसरा मेथड है, तो जैसे भी आप करना चाहो, जो भी आपको अच्छा लगे, नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। सो दोनों चीजें हमने सीख ली यहाँ पे, कि यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उनसे इंडिविजुअल लाइन कैसे निकालते हैं, दो मेथड हमने सीखे फैक्टराइजेशन के, और कंबाइन इक्वेशन कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये जो कंबाइन इक्वेशन है इसका फॉर्मेट देखो ये कैसा है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट, ये सारे टर्म्स हैं है ना,
एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है जिसको हम लिखेंगे, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। ये क्या होती है इक्वेशन और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है वो आप लिख लीजिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर ये टू क्यों आ रहा है, टू डायरेक्ट सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं। तो ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन, जो कोन की इक्वेशन है, जनरल कोन की इक्वेशन है, वहां से ये निकल के आता है और ये हमारे थ्योरी को आसान ही बनाते हैं। टू जी टू एफ, यदि जी और एफ लिखते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है थ्योरी को पढ़ना, ठीक है। सो ये ड्राइव होती है कोन से और इसी को बोलते हैं कोनिक सेक्शन, कोनिक इक्वेशन ऑफ कोनिक है, ठीक है। अब बाय द वे ये जो इक्वेशन है कोनिक, ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये भाई पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी कोनिक्स हैं, पॉइंट भी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस भी, सर्कल, सर्कल भी यही रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स भी, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब जितने भी कोनिक है, कोनिक सेक्शन जितने भी कोनिक है वो सब यही रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें देखना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कैसे पता करें कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है और वो सिचुएशन क्या है, पहला है, दो फैक्टर है, पहला है डेल्टा, डेल्टा। अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा कैसे निकालते हैं। डेल्टा के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ए बी सी डी आती है क्या, आती है ना, आई होप कि ए बी सी डी आपको आती हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ ए आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, यहाँ ए आ जाएगा। डेल्टा लिखा कैसे जाता है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सी, ऐसे। फिर सी के बाद आता है डी आता है और ई, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है। फिर आता है एफ, तो यहाँ पे फिर एफ रख देते हैं। एफ क्या है, देखो वाई का कोएफिशिएंट टू एफ है, तो यहाँ से जो भी मिलेगा वो एफ इधर मिल, वाई का कोएफिशिएंट टू एफ है तो टू से डिवाइड करेंगे तो एफ आ जाएगा। F के बाद आता है G, तो यहाँ G आ गया, और G क्या है, X का कोएफिशिएंट 2G है, तो जो भी कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो G आ जाएगा। तो A B C D E F G और फिर H, H क्या है, देखो XY का कोएफिशिएंट 2H है, तो यहाँ पे ये H लिख देंगे H। और जैसा इधर है ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर है, जैसा ये ऐसा है, वही चीज यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, H G और F, सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो आई होप कि डेल्टा लिखना आया हो। तो फॉर स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, डेल्टा की वैल्यू जीरो आती है। और दूसरा एक और फैक्टर होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी का,
एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। तो कोई जनरल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तब रिप्रेजेंट करेगी। नोट डाउन दिस। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो।